हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सच्ची एंड चोगी के ब्लॉग में आपका अगेन स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है, तो आज मेरा मन कर रहा था चूरमा खाने का। ये तो ऑलमोस्ट हरियाणा वालों की जान होती है, सभी का फेवरेट होता है, तो मुझे भी यही खाना था। तो मुझसे तो इतना बनाया नहीं जाता, जोगी अच्छे से बना सकता था, तो मैंने जोगी से बोला कि आज तो तुम बना दो। तो जोगी ने बनाना कर दिया स्टार्ट। उसके लिए यहाँ पे दो रोटी ली और देसी घी लिया, और ये देखो मैश करने लग गया है जोगी। ये अब हम इसमें भरपूर जितनी चाहिए उतनी शुगर ऐड कर लेंगे, क्योंकि मुझे मीठा खाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ऐड करूँगी शुगर इसमें लगभग 2 से 3 स्पून। ओके, और फिर बस जितना आप चाहो उतना इसको टुकड़ों में तोड़ के बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा अभी मोर ना बोलते हैं हम तो, मोर सकते हो मतलब टुकड़ों को छोटा छोटा कर लो, जितने छोटे टुकड़े रहेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस आप करते रहो थोड़ी देर। और ये हो जाएंगे बिल्कुल ही खाने के लायक, जिनको चबाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ओके, इसे आप दही के साथ खाना, टेस्ट अच्छा हो जाएगा, या फिर आप दाल भी ले सकते हो साथ में, इन दोनों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी मुझे तो इसे सिंपल ही खाना है, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है मैं तो बस ऐसे ही खा लूँगी चलते फिरते, एक दो बाइट लेते लेते। रेडी, देखो अब चाहो तो इसको और नरम कर सकते हो। ओके, खा लो।